तो मेरा नाम है शाश्वत और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग न्यूज पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान और थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो फुकरा इंसान ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो एक डिस्ट्रैक्ट आने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के ऊपर। तो वो डिस्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होने के दो दिन बाद उस डिस्ट्रैक्ट ने 2.3 मिलियन व्यूज और 48,000 कमेंट्स क्रॉस कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है फुकरा इंसान के लिए। पर अभी तक थारा भाई जोगिंदर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे और ना ही उनके यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे ही कोई नया अपडेट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक वो तूफान में बिजी होंगे जो कि हर्ष बेनीवाल के ऊपर आने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। हम लोग बात करने वाले मनोज डे और सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो कुछ दिन पहले मनोज डे मिलने गए थे सौरभ जोशी व्लॉग से, तो वहाँ पीयूष भी था और साहिल जोशी भी थे। तो पीयूष के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट आया मनोज डे के व्लॉगिंग चैनल पे जब उनने व्लॉग डाला। लोगों ने कहा कि पीयूष के अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ गया क्योंकि वो इतने अच्छे मुकाम पे है। तो मनोज डे ने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि मैं कभी भी किसी के खिलाफ नेगेटिव वीडियो आज तक नहीं बनाया, ना ही कभी हेट फैलाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है वो चीज। मुझे मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, प्यार बांटना, तो मैं यही चीज करता हूँ। अब यहाँ पर हुआ ये कि आप लोग तो अभी सिचुएशन को पता होगा, इतने सारे वीडियोस बन गए हैं मनोज दे वर्सेस सौरभ जोशी, मनोज दे हेट सौरभ जोशी, इस तरह के काफी सारे वीडियोस। तो ये सारे वीडियोस देख करके जो है काफी सारे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया सिचुएशन। यहाँ पर मैंने दो ब्लॉग उनके साथ मिलकर के बनाया, अब उन दो ब्लॉग्स में इतने हेट कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं जब उनसे मिला तो मैं खुश हूं या नहीं, ये चीज जानना जरूरी है। मैं काफी खुश हूं, आप लोग उन ब्लॉग्स पे देख सकते हो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और गोलू भी काफी ज्यादा खुश है, ठीक है, जो कि मेरे वीडियोज में रहता है। तो फिर लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब ऑडियंस इतने सारे कमेंट्स इस तरह के कर रहे हैं कि पीयूष में एटीट्यूड है, पीयूष में ईगो है, सौरभ में अकड़ आ गई है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं। तो उन्हीं कमेंट्स को मैं रीड कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उन दोनों को, तो मैं एक पॉजिटिव वीडियो बना करके थोड़ा हेट को प्यार में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मेरा टाइटल था पीयूष एटीट्यूड किंग, इस तरह करके, ताकि लोगों का कहना है कि पीयूष में एटीट्यूड है, इसीलिए मैंने टाइटल लगाया पीयूष एटीट्यूड किंग, जिस वजह से उस वीडियो पे लोगों ने क्लिक किया। और वहां पर जब वीडियो का फुल वॉच करोगे, अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, पीयूष मेट गोलू, देख सकते हो टाइटल है उसमें, देखना कि मैंने मतलब ट्राई किया है कि पीयूष को डिफेंड करने का, सौरभ के बारे में अच्छी बातें बताने का, जो कि है भी, ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि फेक बात कर रहा हूँ, अच्छी बातें हैं। मैंने कोशिश किया वहां पर अच्छा अच्छा चीजें बताने के, और ये भी बताया कि वो एक बच्चा है, सो केयर को उठा हुआ था, इसीलिए उनका हो सकता मूड नहीं था अच्छे से बात करने का। बट इतना हेट क्यों करना यार, वो एक बच्चा है, बच्चे को बच्चे जैसा ट्रीट किया जाए ना, हमारे जैसे वो मैच्योर नहीं, अगर मैच्योर रहता तो वैसा नहीं करता। तो ये सब चीजें मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बनाया, और वो वीडियो शायद से सौरभ भाई देखे नहीं है, जस्ट उन्होंने थंबनेल टाइटल देखकर ही उन्होंने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया। अब ये चीज काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मनोज भाई आपको क्यों ब्लॉक कर दिया, आपको क्यों अनफॉलो कर दिया। तो इसी का आंसर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सौरभ भाई के कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, उन्होंने वीडियो वॉच ही नहीं किया है, उन्होंने जस्ट वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर ही मुझे शायद से ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, मेरा वीडियो उन्होंने नहीं देखा, जबकि वीडियो में मैंने पॉजिटिव वीडियो बनाया है, मैंने कभी भी किसी के खिलाफ नेगेटिव वीडियो आज तक जिंदगी में नहीं बनाया। और गाइज और एक बात बता दूं, मैंने रिकॉर्ड है आज तक मैं किसी यूट्यूबर के पास मिलने ही नहीं गया, ये पहला है जो इससे मैं मिलने गया था सौरभ भाई, और इससे मिलने का रीजन यही था कि मेरा 2018 से ही कॉन्टेक्ट था, बहुत पहले से हमारा फ्रेंडशिप था इसी वजह से, अदरवाइज ना ही मैं किसी यूट्यूबर को खुद से मैसेज करने जाता हूँ। उन्होंने कहा कि पीयूष बहुत ही छोटा बच्चा है और वो सो के उठा था, उसके अंदर इतनी म्यूचुअलिटी नहीं है कि वो सो के उठा तुरंत रिएक्ट करने लगे, उसके चलते सौरभ जोशी व्लॉग से मनोज डे को ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम में। तो मनोज डे ने साहिल जोशी व्लॉग को मैसेज किया कि भाई मेरे को ब्लॉक कर दिया गया, सौरभ जोशी से बोलो कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ब्लॉक कर दिया है और दिल से प्यार है सौरभ जोशी भाई को। तो साहिल जोशी ने भी बोला कि ओके ब्रो डोंट वरी मैं करवाता हूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बीबी की वन चैनल में कंप्लीट हो गए हैं 4 बिलियन टोटल व्यूज, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू भुवन भाई, क्योंकि उनने इतनी मेहनत करी और 4 बिलियन टोटल व्यूज का इतना बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया है। और सिद्धू मूसेवाले ने भी कंप्लीट कर लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर इन इस चैनल, और अपना मोमेंटो ने भी कंप्लीट कर लिए 3 लाख सब्सक्राइबर इन इस चैनल। सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो खुश हैं हम, खुश हैं 3 लाख सब्सक्राइबर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खुश हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और अजूज के नए म्यूजिक वीडियो ने क्रॉस कर लिए 1 लाख व्यूज, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो आप जाके सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बिक्सू का नया म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हो चुका है, उसको भी जाके आप सुन सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।